थिएटर में आग लगाने वालों के घरों में आग लगाएंगे। और हिंदुत्व गैर बराबरी पर टिका हुआ है। हम किसी भी कीमत पर इन भाजपा को आरएसएस को आगे नहीं आने चाहिए। करोड़ों की तादाद में उस फिल्म को देखना चाहिए और सुपर हिट करना चाहिए। हाँ, वो भगवा कलर का ही विरोध है, वो फिल्म का विरोध नहीं है। जो हीरोइन ने और वो हिंदू है, ब्राह्मण है, उसने भगवा कलर पहना हुआ, किस तरह से उसमें वो शॉट आ गया, उसी की वजह से विरोध है। वैसे मुसलमानों का तो जन्मजात दुश्मनी है ही उनके साथ। वो देखिए, वहाँ जो जिसे आप अश्लीलता कहते हैं, वहाँ ऐसा कोई नहीं। उन्होंने 497 जो धारा थी, व्यभिचार की धारा, उन्होंने बीजेपी ने हटाई है। तो संविधान से आईपीसी की धारा 497 हटा दी, जो व्यभिचार की धारा थी उसको हटा दिया, वो तो फ्री कर दिया, फ्री सेक्स कर दिया। अब कुछ भी करें, कोई भी महिला अपनी मर्जी से रह सकती है, तो उसका विरोध नहीं है। वो भगवा कलर ना होता, कोई और ग्रीन कलर होता तो शायद उन्हें इस बात से परहेज हो। देखिए, मुस्लिम तो है, उनके बगैर फिल्म बना के दिखा दो ना, मुसलमान के बगैर कितने हैं, शुरू से लेकर आप उठा लें, आप कितने हिंदू थे, अब तो कुछ आ गए हैं, जो पैसा आ गया उससे पहले तो सारे। ये फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया है वो मुसलमानों ने दिया है, मुस्लिम एक्टर ने दिया, मुस्लिम प्रोड्यूसर ने दिया है। के आसिफ साहब ने कितनी बड़ी मुगले आजम फिल्म बना दी, तो उस समय 14 करोड़ का जिसने बिजनेस किया था, तो वहाँ वो उससे नहीं विरोध हुए। बस विरोध वो भगवा का, भगवा को नंगा क्यों कर दी। मैं भगवा स्पेशली मैंने थोड़ा सा देखा, एक थोड़ी सी क्लिप देखी है मैंने, बिल्कुल देखना चाहूँगा और सबको कहूँगा भी कि जो ये जो दुश्मन ऐलान कर रहा है कि फिल्म मन देखो, उसको हम करोड़ों की तादाद में उस फिल्म को देखना चाहिए और सुपर हिट करना चाहिए। भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज तो एक्चुअली यहाँ का SC ST OBC और माइनॉरिटी है, बाकी भारतीय समाज नहीं है, वो अभारतीय समाज है, वो भार है इस देश के ऊपर, हमारे देश और समाज के ऊपर वो भार हैं, जो न बाकी लोगों को न मानवाधिकार नाम की चीज़ है, न कोई और किसी तरह से जीने देते हैं, न सारी नौकरियों में उनका कब्जा है, सब कुछ उनका कब्जा है, तो बाकी छोड़ा क्या है भारतीय नाम पर। देखिए, हमारे पास राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड भी है। अच्छा। हम इंशाल्लाह हम काउंटर करेंगे उनका। अच्छा। वो थिएटर में आग लगाएंगे, हम उनके घरों में, हम उनके, मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हम थिएटर में आग लगाने वालों के घरों में आग लगाएंगे। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड हरकत में आएगी अगर वो इस तरह से। देखिए, मैंने फरार नहीं है, उनको बाकायदा छोड़ा हुआ है, जो उसमें उनको कहा है ना, असीमानंद ने सारा अपना गुनाह कबूल किया था, क्या कैसे उसमें जो समझौता एक्सप्रेस में आग लगाई थी, मक्की मस्जिद में ब्लास्ट किया था, वो मास्टरमाइंड था इन सारी चीज़ों का। उसने कहा था कि हमसे आरएसएस ने करवाया, ये बयान था उसका, मतलब इकबालिया बयान था उसका, लेकिन उसके बावजूद भी तब आया वो बयान से पलट गया, जो इनकी सरकार है सारा जुडिशियरी में कौन है। अक्षर कुमार की ये कौन सी फिल्म थी, भूल भुलैया नहीं, ओ माय गॉड थी कोई फिल्म मेरे ख्याल से, वो बनाई थी, उसमें ऐसी तैसी कर दी थी इनके भगवानों की, उसको उससे परहेज नहीं है। मुसलमान से तो क्यों परहेज है, कि मुसलमान इस्लाम के मानने वाले इस मुल्क में बराबरी की बात करते हैं, और हिंदुत्व गैर बराबरी पर टिका हुआ है, तो उनके जो उनका जो इल्म है या जो भी है उनका जहन है, उसके जहन के खिलाफ जो काम करेगा वो उसके विरोध है। मुसलमान इस्लाम मसावात के पैगाम के साथ साथ सबकी बराबरी की बात करता है। ये यहाँ इसमें आप भगवा आतंकवाद कहें, मैं उसको हिंदू आतंकवाद, हिंदू का मतलब सवर्ण हिंदू है मेरे से, वो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, और हिंदू आतंकवाद का जुमला सबसे पहले 21 मई 1999 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेमिनार करके मैंने किया था, उससे पहले किसी ने हिंदू आतंकवाद नहीं किया था। आज तो दो गृह मंत्री भी इस पर बोल गए, अभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल के आए, भोपाल गए थे, वो भी हिंदू आतंकवाद पर बोल के आए। तो सच्चा हिंदू कौन है? सच्चा हिंदू दे आर माइनॉरिटी, दे आर हार्डली 10-12%। उनके भरोसे क्या हुआ? अगर पूरा मुल्क बाकी की जो आबादी है वो उनके अगर खिलाफ खड़ी हो गई, तो मैं समझता हूँ वो कहीं टिकेंगे नहीं, वो टिकेंगे नहीं, वो जगा रहे हैं हमें, ये हिंदू लोग हमें जगा रहे हैं बाकी को, कि जाग जाओ भाई, इस बहाने से ही जाग जाओ, ये करो आप इसमें करके, वो हमारा विरोध करके, पठान का विरोध करके, और ये सारा करके वो हमें दावत दे रहे हैं, हमें कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार हमें दावत दे रही है कि मुतहज हो जाओ और अपने मुल्क को संभालो, लेकिन हम बेखबर हैं। जिस दिन इंशाल्लाह बाखबर हो गए तो इनकी औकात नहीं होगी, इन्हें तो गाँव का प्रधान नहीं बनना चाहिए, हमारी बेवकूफियों से, नादानियों से, ये प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनते आ रहे थे, अब उसमें कुछ रोक आई है, इंशाल्लाह धीरे धीरे कर रहे हैं, और 24 जो इनका टारगेट है, 24 हम लोगों का भी टारगेट है, हम किसी भी कीमत पर इन भाजपा को आरएसएस को आगे नहीं आने देंगे। बायकॉट की राजनीति गांधी से शुरू हुई है, मिस्टर महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने बायकॉट का ड्रामा किया, और वहीं से ये बायकॉट ड्रामा चल रहा है, और भी तो फिल्में बनी हैं,
उसका ओ माई गॉड का क्यों नहीं किया। और ये एक और आप जो फिल्म का नाम बता रहे थे उनका विरोध, इनका तो इन्हें नफरत मुसलमान से है और इनका भगवा सुरक्षित है, इनका भगवाकरण है। जैसे मैंने बताया ना कि आर्टिकल 25 संविधान का है, वो साफ कहता है कि आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी मजहब में दाखिल हो सकते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये संविधान के खिलाफ काम करने वाली, ये स्टेंट नहीं है। आप बहुत सारी बातें हैं, वो स्टेंट मैं नहीं मानता, क्योंकि अब मोबाइल पर भी फिल्म आ गई है ना, पहले तो लाइन लगा के लेनी पड़ती थी, मोबाइल पर फिल्म आ गई है, इसकी वजह से भी लोगों का कुछ इंटरेस्ट, उनको घर बैठे देखने के लिए मिल जाती है, क्या वो थिएटर में जाएंगे, इसका बिल्कुल नहीं होता। और ये जो एक और फिल्म आई थी, कौन सी थी वो, राजपूतानी से संबंधित, पद्मावती, उसका विरोध किया और फिर उनका ठंडा हो गया। करणी सेना ने विरोध किया था। अरे भाई, ये आज जो विरोध कर रहे हैं, ऐसी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने जोधा को क्यों नहीं, उनके बाप दादों ने जोधा बाई को क्यों नहीं रोका, जोधा बाई को क्यों पुरस्कृत दिया। सारे जितने भी मुगल शासक थे, अकबर से लेके बाबर से लेके औरंगजेब जहांगीर, सबके घरों में इन्होंने अपनी बेटियां दी, लव जहाद इन्होंने शुरू किया, मुसलमान को बदनाम करते हैं। भीमा को देखिए, वो क्यों चलने देंगे, जिससे कि वो एक्सपोज हो रहे हैं, और भी फिल्म आई थी, उनको नहीं चलने दे रहे हैं। और भी दलित इशू को लेके, दलित एट्रोसिटीज को लेके और भी फिल्में आई हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर और भी फिल्में आई हैं, उनको कहाँ चलने दे रहे हैं। ये पठान तो मैं नहीं समझता जाते, पठान कहाँ है, तो सब मुसलमान हैं, ये वो जब मुसलमान को मारते हैं तो मुसलमान को मारते हैं, वो पठान या सैयद शेख ये नहीं देखा। उन्होंने एक हद तो अच्छा काम किया है कि मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया है, उन्होंने मुसलमानों को मुसलमान बना दिया, अब सैयद शेख पठान नहीं रहा। अरे वो तो बेवकूफ़ है, उनका कुत्ता पालतू कुत्ता हो सकता है, वो कोई किसी काम का नहीं हो सकता है।